Assalamualaikum ladies and gentlemen, क्या हाल हैं आपके? सब ठीक ठाक हैं? Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. आसिफ, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. कल हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, बड़ी ज़बरदस्त हमारी वीडियो थी. हम लोगों ने बनाई थी कि मोटिवेशन क्या है. आसिफ ने अपनी स्टोरी शेयर की, मैंने अपनी स्टोरी शेयर की, और अभी हम उसको लाइव भी कर देंगे, यूट्यूब पर वीडियो डाल भी देंगे. फिर आप लोगों को, जैसे कहते हैं ना, जब आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी उसमें चीज़ें अच्छी लगेंगी. आज हम लोगों ने टॉपिक जो डिसाइड किया है ना, देखें हम लोग इस वक्त ये देखें, ये हमारा वो पार्क है, 5 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है. यहाँ पे हम वॉक करते हैं. तो आज हमने टॉपिक जो डिसाइड किया है, भी आसिफ साहब, हम वॉक भी स्टार्ट करते हैं. आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है जी कि हमने मोबाइल फ़ोन पकड़ा, जैसे हम ये मोबाइल डिवाइस से बना रहे हैं वीडियो, ठीक है. आज हम आपको बताएंगे जी इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं. तो बेसिकली द टॉपिक टुडे वी हैव चूजन इज प्रोज एंड बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल डिवाइस. तो सबसे पहले तो आसिफ आप बताएं, मतलब क्या यार, मतलब मोबाइल का देखें फ़ायदा भी है, ये हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं लोगों को, कुछ इसके ऊपर रोशनी डालेंगे किस तरह हम मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके नुकसान क्या हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल में उमर जो चीज़ इन्होंने, जो चीज़ हमारे लिए, हमारे हाथ में है मोबाइल जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा मैसेज देना है बिल्कुल लोगों को, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है. लेकिन इसका नुकसान जो उनसे है ना, आजकल की जो जनरेशन है वो इसका सही यूज़ नहीं कर रही. बिल्कुल. वो असल में इसको दूसरे मकासद के लिए यूज़ कर रही है, जैसे टिकटॉक. आजकल के 9-10 के बच्चे जो उनसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं. हाँ सिर्फ टिकटॉक का ज़रा बताएँ, ये टिकटॉक तो आजकल जैसे कहते हैं ना बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बना है. मतलब आप किसी 1 से 2 साल के बच्चे को पकड़ लें या किसी बुजुर्ग को पकड़ लें, वो सारे टिकटॉक पे हैं. टिकटॉक में क्या ऐसा जादू है यार? असल में लोग जो उनसे है ना मोबाइल, जो टिकटॉक बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, इस पर लोग जो उनसे हैं कुछ लाइक्स के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, वक्त से पहले अपने आप को फेमस कर देते हैं ना कि मुझे लाइक्स मिले, मुझे लोग फॉलो करें. तो ये सब चीज़ें जब लोग सोचते हैं, जो उस पर वीडियोज़ बनाते हैं, तो इसमें कोई प्रोडक्टिविटी नज़र आती है? मतलब क्या वो कुछ पैसे कमा रहे हैं वहाँ से, कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा तो नहीं है. असल में जो लोग एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो चीज़ अच्छी है. हमारे यूथ तो हर कोई एक्टर है जी आज के ज़माने में, मतलब छोटा बच्चा ले लें आप. जैसे बहुत से लोग मीडिया की फील्ड चूज़ करते हैं, हाँ वो अपने, उनके लिए फ़ायदेमंद है चीज़, ठीक है. लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ जो मतलब जिनको मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, वो भी इस पर टिकटॉक पे वीडियो बनाती हैं, सारे आम वीडियो. लेकिन आजकल तो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मतलब काफ़ी छोटे बच्चे, मतलब मैं बात करूँगा 1-2 क्लास के बच्चे, मैं 9-10 की बात नहीं कर रहा, मैं करूँ 1-2 क्लास के बच्चे, वो माशाल्लाह मोबाइल डिवाइस पे ये टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करके बहुत अजीबोगरीब किस्म का कॉन्टेंट बना रहे हैं, वो वायरल करिए जा रहे हैं. असल में हमने सबसे पहली बात ये आती है, इतने छोटे बच्चे को मोबाइल दिया किसने? ये आपका बिल्कुल, आप देखें इसको मोबाइल देने वाले कौन है? पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स को ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि अभी मेरे बच्चे की एज है, उम्र है, इसको मोबाइल देना चाहिए बिल्कुल. तो असल में पेरेंट्स का भी बड़ा, बहुत बड़ा रोल है. मोबाइल बच्चों को पहले अच्छी तरह पढ़ाएँ, ठीक है, स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब जाता है बच्चे को, फिर मोबाइल दें, मुझे फिर बच्चे को समझ आ जाती है ना मोबाइल का यूज़ किस तरह करना है. और बल्कि हम जब हमारा टाइम हुआ करता था तो इसमें यकीन करें, मुझे याद है मतलब आसिफ जब मैं गया था ना यूनिवर्सिटी में, तब जाके मुझे मोबाइल डिवाइस मिला था, वो भी मेरा सबसे पहला जो मेरा फ़ोन था वो मेरा नोकिया का फ़ोन था, ठीक है. तो तब जाके हमने इस्तेमाल किया. हमारे ज़माने में तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी उस टाइम पर नहीं थे, और कट एक वेबसाइट हुआ करती थी, वो चला करती थी, ठीक है. वो हमारे गैरिजन के जितने लड़के थे ना, वो सारे ऑर्कड वेबसाइट होते थे, और उस टाइम पे कहा जाता था जो इस वेबसाइट पे है ना वो बड़ा कोई जी टॉप पर्सनैलिटी समझा जाता था. यार पहले जो था ना इतना, मतलब ये व्हाट्सएप जो है 2015 में आया है, इससे पहले फेसबुक और ये मैसेंजर, ये सब चीज़ें नहीं थी, और बहुत पुरसकून लाइफ थी. ऐसा हम जो अपना पास्ट है ना वो मिस करते हैं. अभी मोबाइल का एक लिहाज से अच्छी चीज़ तो है, जैसे हम मैसेज कर देते हैं, जल्दी मैसेज पहुँच जाता है, डिलीवर हो जाता है. लेकिन इसका नेगेटिव बहुत यूज़ हो रहा है बच्चों में खास तौर पर. और इनफैक्ट अभी तो रिसर्चेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं कि जितना बच्चा मोबाइल डिवाइस क्लोजली यूज़ करता है, उतनी उसकी आई साइट जो है वो, जैसे कहते हैं, वो वीक होती है. बिल्कुल ऐसे. आजकल तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से आई कैंसर भी हो सकता है आपको, जो कि बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों में, बड़ों में. लेकिन इसका हल क्या निकाला जाए? मतलब आजकल पेरेंट्स भी देखें ना, हमारे ही यूथ आगे पेरेंट्स बन रही है, और वो खुद इसी चीज़ के अंदर इंडल्ज है जी, हमने मोबाइल डिवाइस यूज़ कर लिया, तो आगे हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? हमारी ये तो पेरेंट्स बनने, मेरा तो मैसेज ये है, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को मोबाइल ना दें, चाहे वो जितनी मर्जी दिख करें, बच्चों को कंट्रोल करें, बच्चों पे फोकस करें, ठीक है. जो चीज़ बच्चों को देनी चाहिए वो दें, लेकिन टाइम से पहले ना दें, ठीक है. बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उन पर मतलब किताबें दें, उनको बुक्स दें, ड्राइंग्स करें. बुक्स से याद है, अच्छा अब आप इस पॉइंट पर भी आते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने छेड़ा है, बुक्स. आजकल कितने बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ते हैं? बहुत थोड़े रह गए हैं.
आज इनफैक्ट वो फर्स्ट ईयर का आज रिजल्ट आ चुका है या आने वाले, और आप देखिएगा मैं शाम को जाके चेक करूँगा। मतलब हमारे बच्चों की पासिंग परसेंटेज इतनी कम हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल। वहीं दूसरी साइड पर देखें, अगर एक बच्चा अलग से हार्डली कोई बच्चा अगर मर के पास हो रहा है तो चेक कीजिएगा टिकटॉक पे, फेसबुक पे या दूसरे सोशल चैनल पे वो कितना एक्टिव होगा। बिल्कुल। तो क्या वो टिकटॉक पे एक्टिव होना, यूट्यूब पे एक्टिव होना, वो तो बेसिकली उसका करियर ख़राब हो रहा है ना वहाँ पे। बिल्कुल ख़राब हो रहा है। ये चीज़ें इसके लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स को ही जिसे कहते हैं वो एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स हमारे खुद जो है वो इन चीज़ों में बिजी हैं कि वो अपना कोई टिकटॉक पे देख रहे हैं या फेसबुक पे लगे हैं या उस पे लगे हैं। पेरेंट्स असल में पेरेंट्स की भी सोच, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना इनकी भी सोच ऐसी हो गई है कि एक चीज़ हमें मिल गई है, इसका हमने मतलब इसको जो चीज़ इससे बहुत सारा उम्र नोट किया है कि लोगों में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके अलावा दूसरे काम, सेहत जोन सी है। हमारे जमाने में ये चीज़ें नहीं होती थी। हमारे हम लोग भी देखें, एक तो पहले हम ये बताते हैं हमारे ज़माने से मुराद ये नहीं है कि हम 1990s वाली कोई जनरेशन है, ठीक है। हमारे से मुराद है हम लोग आपसे 5-6 साल पीछे वाली जनरेशन है। लेकिन कहने का मकसद ये जो हमारा बचपन गुजरा है उस टाइम पे हमारा इंट्रैक्शन आपस में होता था। अब ये देखें, ये हम लोग दोस्त हैं तो हम लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया, चलो यार कुछ तो अच्छा करते हैं। हमने साम सोचा यार चलो कुछ अच्छा कर देते हैं, ठीक है। क्या है, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ऐसी है, हमारा टाइम ऐसा था, हम लोग एक दूसरे से जिसे कहते हैं ना फिजिकली अटैच हैं। बिल्कुल। ना कि हम लोग जिसे कहते हैं ना वर्चुअल वर्ल्ड में। अब हम फिजिकली यहाँ पे आए हैं, ऑफिस से आए हैं, हम वॉक कर रहे हैं। नो पेन नो गेन, सिंपल बात है। अगर आप पेन ही नहीं लोगे तो फिर आपको गेन कैसे मिलेगा। तो यार हमारे ज़माने में स्ट्रेस वगैरह ऐसी चीज़ें, मुझे याद है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको कुछ बताइए कि होता था ऐसा कुछ स्ट्रेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता था। हम अपनी दूसरी चीज़ों में इतना बिजी होते थे, जैसे क्रिकेट है। बिल्कुल। संडे के संडे दोस्तों के साथ जाना, बाइक खेलना, यार बर्फ करता था, बड़ा पानी गली में खेलना, छुपन छुपाई हुआ करते थे, गेम हुआ करती थी, छुपन छुपाई हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज थी जिससे हम अपना बहुत हमें ये फील ही नहीं होता था कि हम किसी डिप्रेशन में। फिजिकली एक्टिविटीज में हम इंडल्ज थे। हाँ जी। और हम लोग इसी वजह से, हम लोग जैसे कहते हैं, हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सी बीमारियों से बचे हैं क्योंकि हम फिजिकली उसमें कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहते हैं। बिल्कुल, हमारी सोच ऐसी है ना। तो हमारा जो सब वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों की सोच भी मतलब इस तरफ आए कि मोबाइल का कैसे यूज़ करना है। मोबाइल का व्हाट्सएप है, ठीक है, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे व्हाट्सएप ही बात करें, मोबाइल पर ही बात करें। बिल्कुल। टाइम अपना टाइम फ्रेम होना चाहिए। अच्छा एक बात मैंने मेरे कुछ वो बच्चों ने भी पूछी, उमर भाई आप मोटिवेशन की वीडियो में बनाई, उसमें उन्होंने पूछा उमर भाई हम लोग बैठे होते हैं और काफ़ी मैंने सीनियर रिसोर्सेज से भी बात सुनी कि जब व्हाट्सएप में तो किसे कहते हैं ना, एक तो मोबाइल यूजेज है फिर आपका व्हाट्सएप का यूजेज है। मतलब हमने अगर किसी को मैसेज किया ना व्हाट्सएप के ऊपर तो जब तक वो उसका टिक ब्लू नहीं होता हमें सुकून नहीं होता, हमें सुकून नहीं, और जब तक उसका हमें रिप्लाई नहीं होता हमें सुकून, जब तक पता चल जाता है कि मैसेज चला गया, पढ़ भी नहीं है। हम इस क्यूरियोसिटी में लोग इतने होते हैं, इस चीज़ को किस तरह ओवरकम किया जाए? अच्छा देखिए, लोगों को पता नहीं, हम दूसरे लोगों को ना सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज समवन। आप हर किसी को खुश, दूसरों को वही खुश कर ही नहीं सकते। हम क्यों खुश करें? वैसे भी आप अपना काम देखें, आपने एक बंदे को अपना मैसेज पहुँचा दिया, ठीक है, तो अब हम दूसरे बंदे का वेट कर रहे होते हैं यार इसका मुझे मैसेज आए। बिल्कुल ऐसे ही भाई, क्यों वेट कर रहे हैं? अब दूसरी एक्टिविटी कर लें, बुक्स पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें। बहुत सी कुरान पाक से तो यार हम लोग, मैं कह रहा हूँ काफ़ी कोर्स हद तक मिल गए यार, मुझे समझ नहीं आता हमारे उल्मा काम भी नहीं एक्सप्लेन करते ना ज़्यादा, या उनका कोई तरीका नहीं है सही एक्सप्लेन करने का। असल में वो भी अपनी वो भी चाहते हैं ना हमें ज़्यादा लोग फॉलो करें, लेकिन उनका जो मैसेज है वो ये नहीं सोचते कि हमारा मैसेज लोगों पर जाए, वो बजाय अपने फॉलोअर्स की। वर्चुअल फॉलोअरशिप जो है ना आजकल बढ़ गई है जी, वर्चुअली सबको फॉलो करो लेकिन फिजिकली। यार मुझे जो लगता है उमर, ये एहसास कमतरी है कि लोग सोचते हैं कि यार मुझे फॉलो करें, मैं फेमस होना चाहता हूँ। भाई अपना अपने आप को इतना हमें फेमस क्यों करना है, हमें क्या जरूरत है ना, कोई प्रोडक्टिविटी से अगर आप फेमस करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेट्स से चले, हमें हम आपको अपनी एग्जांपल देते हैं, हम अगर ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हम कुछ अच्छा करें, कुछ आपको अच्छी, जैसे कहते हैं हमारा दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह 5+ साल का एक्सपीरियंस हो चुका है हमारी फील्ड में। आसिफ IT कस्टमर सर्विस में, मेरा डिजिटल मार्केटिंग में है, कस्टमर सर्विस में है, ठीक है। जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो चीज़ें हम आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। जब हम लोगों ने भी जॉब स्टार्ट की थी तो हमें भी काफ़ी मुश्किल थी, और एक बात मैं भी हमेशा कहता हूँ, आसिफ भी कहते हैं, जब आप जॉब में आते हैं ना बिगिनर यंगस्टर, तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि कोई आपको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उंगली पकड़ के आपको जैसे कहते हैं ना काम करना सिखाएगा। स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ेगी। अब ऑर्गेनाइजेशंस में कोई बंदा भी काम नहीं सिखाता, आपको खुद जिसे कहते हैं ना, आप में पैशन होना चाहिए, आपने सीखने की प्यास होनी चाहिए, आपको अपने आप को खुद मनवाना है दूसरों के साथ, और आपका काम ही मनवाता है भाई।
इंक्रीमेंट लगने हो, बोनस लगने हो, सैलरी अच्छी मिलनी हो, फ्लेक्सिबल टाइम हो, जो भी है वो सब कुछ आपके काम के बिहाव पे है। आप गुड लुकिंग हो, अच्छे कपड़े पहने तो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन में मैटर नहीं करता। ये देख लें, हम नॉर्मल हमने ड्रेसिंग की हुई है, कैजुअल ड्रेसिंग में, लेकिन हमारा जो काम होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, उससे हमारे बॉसेस सेटिस्फाइड है हमारे काम से। हम लोग फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ के जो हमारा काम है ना, उसको जिसे कहते हैं उस पर फोकस करते हैं। लोग इंप्रेस होते हैं ऑफिस में अपने उसके काम से। हम ये नहीं कहते फिजिकल, आप फिजिकली भी ड्रेसिंग अच्छी करके हैं वो आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आप जो है अपना काम आपका जैसे कहते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। अब अगेन मोबाइल का ये फायदा है, हम अपनी डिस्कशन जो है, हम वॉक तो कर रहे हैं लेकिन हम अपनी डिस्कशन जो है आपसे शेयर कर रहे हैं। शायद आप में से कोई एक, मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई एक भी मोटिवेट हो जाएगा ना, तो समझे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई मोबाइल का सही यूज़ करें, ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस ना करें, ज़्यादा इसको यूज़ ना करें। इसके टिकटॉक की डेथ वाला सीन भी बताइएगा, वो क्या इंसिडेंट था? वो इंसिडेंट ये था, असल में मुझे भी किसी ने बताया था, मैंने वीडियो यूट्यूब पे देखी है, एक बच्चा बिल्कुल अभी 15-16 साल का बच्चा है, ठीक है, पंजाब कॉलेज का ना, गाड़ी चला रहा है मोटरवे पे 120 की स्पीड से, वीडियो बना रहा है टिकटॉक पे, साथ में चलती गाड़ी पे वीडियो बना रहा है, सामने से एक्सीडेंट हो गया ट्रक में। तो आप ये सोचिए, सबसे पहली बच्चा बात, बच्चा के मतलब डेथ हो गई, बच्चे की डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट चल रही है, हो लाइव वीडियो भी बन रही है, पीछे सॉन्ग चल रहा है। अब देखिए, आप ये सोचिए यार, बच्चा 15-16 साल का बच्चा है, बजाय कि वो कोई ऐसी चीज़ें करें, टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है, जस्ट ये मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब उनको पता चला होगा यार। और अब जाहिर है पेरेंट्स मैं इसके एक बात तो मुझसे काफ़ी लोग खफा होते हैं, और भाई आप बड़ा ना स्ट्रेट वे जैसे कहते हैं बोल जाते हैं, मैं कसूर में पेरेंट्स पर ठहराता हूँ यार, बिल्कुल पेरेंट्स का है यहाँ पे कसूर, गाड़ी देनी ही चाहिए 1500। गाड़ी भी दे दी है तो चले, आपने मोबाइल डिवाइस भी दे दी, चले मोबाइल डिवाइस को तो हम कहते हैं ना, वो अब एक ऐसी जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान दिए, तीन चीज़ें हुआ करती थी, अब मोबाइल डिवाइस आ गया, मोबाइल डिवाइस, वाईफाई और टिकटॉक, ये तीन बेसिक जरूरियात हो गई है। और बच्चे का लाइसेंस भी नहीं बना गाड़ी का, कोई चक्कर नहीं है, तो हमेशा मैं कहता हूँ लाइसेंस के बगैर पता नहीं पेरेंट्स किस तरह अलाउ कर देते हैं। बच्चे बाइक भी चलाते हैं और वो इतना खतरनाक चला रहे होते हैं, तो गॉड फॉरबिड अपना नुकसान करते हैं, वो साथ में कभी किसी का नुकसान करते हैं, ऐसा ही है। तो मोबाइल बेसिकली वही बात है ना, असल में मैं तो सोचता हूँ उमर मोबाइल का भी लाइसेंस होना चाहिए। ये मैं भी आजकल कुछ पढ़ रहा था, इमरान खान साहब ने कुछ नया अनाउंस करे कि मोबाइल पॉलिसी भी अनाउंस कर रहा है, लेकिन वो मैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड, अब पाकिस्तान में ही प्रोडक्शन हुआ करेगी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मोबाइल की तो पेनिट्रेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव, अब मैं बात करूँगा इसे हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ या बिजनेस पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं, मोबाइल का फ़ायदा क्या है। देखिए, हर मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर आपके बाय डिफॉल्ट सोशल चैनल अब इंस्टॉल्ड होकर आ रहे हैं, फेसबुक आ रहे हैं, मैसेंजर आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, गूगल क्रोम ऑलरेडी है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट की वो थोड़ी बहुत जो कहते हैं हम स्टार्टिंग थोड़ी एसईओ कर लेते हैं, आप मोबाइल पर जाके चेक कर सकते हैं आपकी वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए अपना व्हाट्सएप बिजनेस इस्तेमाल कर लें, व्हाट्सएप सिंपल इस्तेमाल करके अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। आप फेसबुक पर जाके लोगों को अपना जिसे कहते हैं ना एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, हूट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ट्विटर पे कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे हम चैट बॉट्स लगा सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब जैसे हम लोग वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं, थोड़ी सी इश्यू करेंगे हम यूट्यूब पर डाल, यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, दूसरा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये तो देखें, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो बनाएं कि प्रोडक्टिविटी को यूट्यूब पे डालें, जो अभी एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ आप अर्न भी करते हैं, लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं, अर्निंग ऐसा नहीं है कि फ़ौरन हो जाती है जी, आपको उसके लिए मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है, विदाउट पेन आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। और यार आप यकीन करें, मैं एक बयान सुना, मैंने आपसे कल भी शेयर किया था, दोबारा शेयर करता हूँ, एक मोहतरमा ने, एक माँ थी, उन्होंने पूछा इस्लामिक स्कॉलर से कि उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब मैं मर जाऊँगी तो मेरे बच्चों को क्या होगा, क्योंकि माएँ जो है वो बहुत कंसर्न होती है अपने बच्चों को लेके, ठीक है, डेफिनेटली हमारे घर में भी ऑब्वियसली हमारे फादर्स भी होते हैं कंसर्न होते हैं, लेकिन हमारी मदर का रोल ज़्यादा होता है, वो सारा कुछ हमारा ख्याल भूल रखती है, ठीक है। तो उन्होंने जो आलमा से क्वेश्चन पूछा ना कि अगर मैं मर जाऊँगी मेरे बच्चों को क्या होगा, सेकेंड थॉट उनके माइंड में आया, उन्होंने पूछा जब मेरे बच्चे मर जाएंगे तो उनका क्या होगा। अच्छा। उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि आजकल के तो बच्चे मोबाइल डिवाइस पे इतना पेनिट्रेशन हो गई है, देखिए ना, एक ज़माना था अगर किसी ने कुछ गलत चीज़ वगैरह मोबाइल डिवाइस पे देखनी होती थी या किसी सिस्टम पे देखनी होती थी, वो नेट कैफे चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप्स इतने इन नहीं थे। अब लैपटॉप्स भी छोड़ दें, अब आपके पास मोबाइल डिवाइस, छोटी सी एक डिवाइस है, उसको आप कहीं भी कुछ भी एक्सप्लिसिट कंटेंट आप उसके ऊपर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं,
और PTA भी मुझे समझ नहीं आती ऐसी साइट्स क्यों नहीं ब्लॉक की जाती पाकिस्तान के अंदर। यार देखें PTA ने बहुत सी वेबसाइट्स भी ब्लॉक की हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब तक बंदा खुद अपनी चीज़ें अपने आप को बेहतर ना करे तो कोई कुछ नहीं। आपको पता है आसिफ, हमारा मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, ये उसमें आया हुआ था जी कि जो एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट है ना, एक्सप्लिसिट कॉन्टेंट से मुराद है जो गलत किस्म की वीडियोज़ कह लीजिए या इमेज़ कह लीजिए, जो मैं उसे किसने एक्सप्लेन करूँ, जो एक गलत किस्म की चीज़ें होती है ना आपकी, जो एक्सलेटेड पिक्चर्स आपकी होती हैं, एक्सलेटेड वीडियो पे होती हैं, ठीक है, उससे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कंटेंट, ठीक है। और उसको देखना वैसे भी गुनाह है, ठीक है, वो गुनाह कबीरा है, हम लोग उसको नहीं समझते, लेकिन वो गुनाह कबीरा है, क़यामत वाले दिन आपको इसका साथ देना पड़ेगा। तो PTA ने काफ़ी साइट्स को ब्लॉक किया है, लेकिन अभी मैं उस दिन में पढ़ रहा था, आपको पता है 70% जो एक्सप्लिसिट कंटेंट है ना पाकिस्तान से जो देखा जाता है, यानी कि 100 में से 70% कंटेंट जो है वो लेडीज़ की तरफ से देखा जाता है और वो मोबाइल डिवाइसेस पे देखा जाता है। मोबाइल डिवाइस देखें, मुझे एक तो हैरानी होती है इतने उस पर जो उन्होंने एज ग्रुप डिफाइन किए हुए थे, यार वो टीन एजर से भी छोटी एज थी उनके बच्चों की, और मैं हैरान हूँ और कसूरवार कौन है, पेरेंट्स है। मोबाइल डिवाइस आपने उनको पकड़ा दी, इतना ईजी एक्सेस है, जब तो आप इसको एक्सेस नहीं ना दोगे उम्र कोई कुछ कर ही नहीं सकता यार। मुझे लगता है शायद, मुझे लगता है अथॉरिटी से पेरेंट्स को बुरा लगेगा, लेकिन सच जो है ना वो आज के ज़माने में कहना बहुत बड़ी बात है। आसिफ और मैं अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं, यार अगर किसी ने सच बोलना है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक हदीस मुबारक है, हमने बचपन में सुनी है, आपने भी सुनी होगी, बस हम अमल करना भूल गए। आसिफ ने फरमाया जी कि अगर आप बुराई किसी जगह पर देखो ना तो सबसे पहले उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो उसको अपना जैसे कहते हैं ना ज़ुबान से उसे रोकने की कोशिश करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब हाथ से बुराई देखी तो उसमें ये थोड़ी है कि लड़ना शुरू कर दो उसके अगेंस्ट कुछ। आजकल मेरे मैं अगर बात करूँ, मैं किसी का बुराई देखता हूँ, लेट्स से मैं फेसबुक पर कोई चीज़ देखता हूँ, पोस्ट वगैरह देखता हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए कोई फेसबुक को रिपोर्ट कर दूंगा, कुछ कंटेंट वगैरह बना दूंगा, अवेयरनेस वीडियो बना दूंगा। तो मैंने अपने हाथ को इस्तेमाल किया, ज़ुबान को इस्तेमाल किया, ठीक है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया। हमारे यहाँ मुझे लगता है पेरेंट्स ना, क्योंकि मुझे याद है यार हमारे बचपन में हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स, उन्होंने उनसे से कहते हैं ना, उन्होंने हमें अपना वक्त दिया, हमें पेरेंट्स पढ़ाया करते थे, हमारे साथ खेला करते थे। आज के ज़माने में लगता है पेरेंट्स जान छुड़ाने के लिए मोबाइल डिवाइस पढ़ा देते हैं बच्चे को, ये लो यार बिल्कुल ऐसे ही है, ये लो मेरी जान छोड़ो, और ये लो ऐसे ही है, बच्चे कंट्रोल ही नहीं होते मोबाइल के बगैर, और मोबाइल पे जब तक उनको इंटरनेट की एक्सेस भी मिल जाती है, और इंटरनेट की एक्सेस भी दे देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। देखिए विदाउट इंटरनेट तो वो चलाते ही नहीं है ना मोबाइल, उनको समझ ही नहीं आती मोबाइल। देखिए ना, अगर आपको बहुत शौक है बच्चों को मोबाइल देना, आप उसमें गेम्स कर दें, गेम्स ही, लेकिन गेम्स भी कुछ ऐप आप देखें ना, जैसे पबजी, पबजी का मैं पढ़ रहा था, कुछ बच्चों की वाकई असल में हकीकत उनकी डेथ हो गई है गेम खेलते खेलते, कुछ बच्चों को हार्ट अटैक्स आ गए, वो इतना मैसिव खेलते रहे 14 घंटे वो गेम खेलते रहे। उससे पहले कि पोकेमोन की आई थी, वो कोई वर्चुअल रियलिटी वाली गेम थी, वो उस पोकेमोन को मारने के चक्कर में सड़कों में आ गए, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे से गाड़ी ने उन्हें हिट किया, उनकी डेथ हो। और ये अमेरिकन की केस स्टडी था, ये सब चीज़ें अमेरिका से यहाँ पे भी ट्रांसफर हो रही है ना, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में भी हो रही है, और हम लोग पता नहीं कॉपी क्यों करते हैं यार, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कभी इसी कॉपी ना करें, आप यूनिक हैं, कुछ ना कुछ यूनिक है आपके अंदर, ठीक है, आप जब कॉपी करते हैं ना किसी बंदे को तो वहाँ पर आपका यूनिक फैक्टर जो है ख़त्म हो जाता है। बहरहाल उमर, कंक्लूजन यही है मेरे ख्याल में कि मोबाइल जो सा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवॉइड करें। देखिए बिजनेस पर्सपेक्टिव में आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे बहुत से अंग्रेज़ों से बात करता हूँ, मेरे बिज़नेस पर्सपेक्टिव है, मैं उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग एसईओ की ट्रेनिंग कंसल्टेंसी देता हूँ, मैं व्हाट्सएप के थ्रू देता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर, उसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ, लेकिन अवेयरनेस फैला बिल्कुल ऐसे ही है वो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को हम अप्रोच करते हैं, जिन लोगों को गाइड करते हैं, उनको इन चीज़ की समझ होती है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो छोटे बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी वीडियो बेसिकली उनको है, ताकि ये हमारी ये स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, हमारी यूथ जो बेसिकली हमारी यूथ जो है वो एक राइट प्लेटफॉर्म, अगर हमारे राइट डायरेक्शन में जाए, सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल अभी बड़ों को तो समझ है, अगर उनको भी समझाने के लिए वीडियो बनानी पड़ी है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल यार, मुझे लगता है हमारे बड़े भी जो है ना यार, वो प्रॉपर तरीके से ना अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं संभालते यार, जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते ना, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे ना तो थिंग्स विल बी ईजी फॉर अस, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। एनीवेज ये हमारा आज का छोटी सी हमने वीडियो बनाई है, अवेयरनेस वीडियो थी, कि आप लोगों को बेसिकली हम बता सकें कि मोबाइल डिवाइस के बेनिफिट्स भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, अब आपने उसको देखना है कि आपने मोबाइल को पॉजिटिव वे में लेके इस्तेमाल करना है या उसे नेगेटिव वे में इस्तेमाल करना है।
स्पीचेस हम बहुत लंबी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन मकसद समझाने का यही है मेरा, आसिफ का यही हमारा मकसद है, ये डुओ वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, हमारा भी एक अच्छा टाइम गुजर है, बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन वो बातें हम लोगों तक महदूद है, हम वीडियो के फॉर्म में शेयर कर रहे हैं, हमारी भी यादगिरी रह जाएगी और किसी एक बच्चे, हमारे भाई बहन, कोई भी जो हमारी यूथ है, कोई एक भी से इंप्लीमेंट कर लेगा तो हमें भी होगी खुशी कि चलो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर दिया। आसिफ आप भी कुछ इंक्लूडिंग लाइन वगैरह बोलते हैं फिर इसको एंड करते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल का जो ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, ठीक है, लिमिटेड यूज़ करें और बच्चों को अवॉइड करवाएं, और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन अपने बहुत है ना मस्त देना है तो आई सजेस्ट प्लीज़ उनको ना इंटरनेट कनेक्शन के बिना दीजिए, बिल्कुल ऐसे इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं इंटरनेट एक ऐसा खुला समंदर है, मगर आप यूट्यूब पर कर लो, यूट्यूब पे आप वैसे ही कोई चीज़ जेनेरिक चीज़ सर्च कर लो तो ऐसा कंटेंट सामने आ जाता है जिसको बंदा अवॉइड नहीं कर सकता और बच्चों पे कैसा इंप्रेशन रहता है उस चीज़ का। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक पे कुछ ना वाहियात किस्म के भी मेरे पास कुछ वीडियोस वगैरह आए, बिल्कुल आती है, इतना बुरा लग रहा था कि हमारी, देखें हम बात करते हैं हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमें नहीं पता आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जब ये वीडियो देखी जा रही होगी तो उस टाइम शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम लोगों ने जो बातें कही थी कितने सालों पहले वो क्या सोच के कही थी, क्योंकि उस टाइम पे ये वीडियो, जैसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है 20-30 साल बाद ये वीडियोस वाकई जैसे कहते हैं ना रोल अदा करेंगी, उस टाइम पे आप लोग कहेंगे कि उमर भाई, आसिफ भाई ने जो बातें कही थी बिल्कुल ठीक थी, हमारे फ़ायदे, क्योंकि उस टाइम पर बुराई इतनी ज़्यादा होगी होगी, आसिफ ये लोग खुद चीज़ सर्च करेंगे, कोई चीज़ हमें मिले जो हमें समझाएं, ठीक है, इसलिए हमने ये सोचा है कि हम क्यों ना जो चीज़ हम डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं उसको वीडियो के थ्रू अपलोड करें। आसिफ क्या आपको याद पड़ता है जब हम बचपन में थे क्या हमें भी कोई इस टाइम मेंटोर्स की जरूरत हुआ करती थी? नहीं, हमारे लिए हमारे फैमिली पेरेंट्स का असल में पेरेंट्स थे, हमारे माँ बाप ने हमारी एजुकेशन, हमारी तरबियत ऐसी की है ना कि हमें, अब हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमें समझ है इस चीज़ की कि मोबाइल का गलत यूज़ हो रहा है बच्चे में, ठीक है, लेकिन आजकल की जनरेशन है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनकी शादियाँ भी अभी, मतलब उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा जो हमारी एज के, मतलब अभी जो नए पेरेंट्स हैं जैसे उनके जो बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है ना, उनकी ग्रूमिंग ऐसी है। देखिए हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ, देखिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कंट्रोल करते हैं अपने आप ही ना बच्चों का, मैं हमेशा आती है अपने यूथ के बारे में एक बात बोलता हूँ यार, ये इंस्टेंट मेकआउट और इंस्टेंट ब्रेकआउट वाली जनरेशन है, हर चीज़ फ़ौरन से फ़ौरन पहले हो जाए, फेसबुक ले लेते हैं, फेसबुक जब नई नई आई थी आपको याद है वो दोस्तियाँ शुरू हो गई थी, लड़की लड़कियों की दोस्तियाँ शुरू हो गई, फिर काफ़ी स्कैंडल आए जो शादियाँ हो गई बाद में डिवोर्स हो गई, सिमिलरली व्हाट्सएप पे होना शुरू हो गया, आजकल लोगों ने मजाक बनाया हुआ है सीरियसली, मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती कि प्रॉपर तरीके से जो अल्लाह अल्लाह के नबी ने अहकामात दिए वो उस पर नहीं फॉलो करते, फिर एक प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है जी हमारे इस्लाम में महरम और ना महरम का, हम लोग उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं हमेशा बात करता हूँ ना आपसे, मुझे टिकटॉक बड़ी अजीब लगती है, मैं आपसे क्यों कहता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी, एक लड़की है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्क्रीन में कोई लड़का है, ठीक है, गाने शाने लगे हैं, वो टिकटॉक पे वीडियो बनी हुई है, मैं एक पल के लिए सोच रहा हूँ यार कि जो महरम और ना महरम वाला कॉन्सेप्ट है उसकी तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ गई हैं, इस्लाम ऐसा तो मेरे ख्याल में बहुत से कम लोग हैं जो सोचते होंगे, बहुत कम यार, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि, देखिए एक लड़की, मैं बड़ा अब ये पॉइंट गौर से सुनिएगा, कि जो लड़की है ना, एक लड़की उसके लिए जो महरम है ना वो उसके वालिद मोहतरम, उसके भाई, उसकी वालिदा ये हैं, एक लड़की के लिए उसके कज़न, मुँह बोले भाई, मामू, चाचू, ये सारे ना महरम हैं, ये बेशक आप जाके सर्च कर लीजिएगा, मैं हदीस पाक का कोड भी शेयर कर दूँगा जो प्रॉपर है, ठीक है, हमारे यहाँ पे तो ट्रेंड ही नहीं बना हुआ ना, क्योंकि हम सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम एक्चुअल में इस्लाम यहाँ पे हम देखते नहीं हैं, पर अगर कोई इस्लाम की बात करेगा तो उसे हम कह देंगे मौलवी है, उसको टैग लगा देंगे, ठीक है, हमारी दाढ़ी नहीं है लेकिन हम पे टैग लग जाता है कि हम मौलवी हैं, और मौलवी कहना यार मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है यार, वो उनका पेशा, मतलब अब जैसे हमारा कोई जो भी प्रोफेशन है हम लेकिन मौलवी बताते हैं, मौलवी क्या है मेरे मतलब मेरे मुताबिक मौलवी अल्लाह ताला का वो नेक बंदा है जो आपको अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके और दीन इस्लाम पे चलाए, और जो अब हम कोई ऐसी चीज़ शेयर करेंगे ना तो हम मौलवी बनते हैं, मैं कहता हूँ ये भी मौलवी है, बहुत से लोग अपनी सलाह चाहते ही नहीं है, आपने अगर कोई देखें आज के ज़माने में अगर आपने कोई अच्छी बात कर दी तो उसके अंदर आप मौलवी हो गए, नेगेटिव ले लेते हैं उस चीज़ को, बहुत यार मैंने मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, बट अगेन देखें लड़कियों के लिए रिक्वेस्ट है, लड़कों के लिए भी रिक्वेस्ट है, देखें हमेशा हम कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसमें दोनों हाथ ही इस्तेमाल होते हैं ताली के, लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट है, बहनों के लिए रिस्पेक्ट है हमारी, लेकिन हम एडवाइस हमेशा करेंगे आपको जी महरम का कॉन्सेप्ट हमारे मज़हब में है, जितने भी जो बाहर लड़के हैं वो सारे आपके लिए ना महरम है, लेकिन हम लोग व्हाट्सएप पे इतने एक्टिव है माशाल्लाह, टिकटॉक पे इतने एक्टिव है कि हम तो इस पॉइंट पे आते ही नहीं,
क्योंकि शायद हम अपने आप को अगेन वही बात हीरो हीरोइन वाला कॉन्सेप्ट एक्टर भी बनना चाहते हैं, बहुत से लोग वक्त से पहले चीज़ें चाहते हैं ना। बिल्कुल, अगर एक्टर भी बनना चाहते हैं, पढ़ाई करें, फिर स्टडी करें, मीडिया स्टडीज करें, स्टडीज करके आए ना, प्रॉपर तरीका है, और फिर जाके इंडस्ट्री में जाएं। लेकिन लोग बच्चे उम्र अभी से ही ट्राई का ऐसा करते हैं कि भाई हम बाहर जाएं, लोग हमें पहचाने फेमस होने के लिए। और आते वक्त मुझे समझ नहीं आती, आजकल तो माशाल्लाह ट्रेंड, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से ट्रेंड ये भी बना आ रहा है जी कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी शायद अच्छी नहीं है, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आती बच्चे यार, हम जब थे तो हमारे सामने ऐसा ट्रेंड था कि बाहर से पढ़ के आ जाओ तो ये है। यार बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ऐसा ही, बहुत 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 लाइक बच्चे हैं यहाँ पे पाकिस्तान, सिर्फ डायरेक्शन उनको रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आप और यहाँ पे जो से उम्र तालीमी इदारे हैं वो भी किसी से कम नहीं है, जैसे हमारी बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं पाकिस्तान में, पढ़ना ये बात हो, पढ़ना बच्चे ने पूछा, बच्चे कहते हैं जी हम पढ़ाई भी ना करें और हमारे रिजल्ट भी अच्छे आ जाए, तो ऐसा तो मेरे और बाहर जाके भी क्या करना है, बाहर जाके जो कुछ हो रहा है वो भी सबको पता है यार। देखें इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं पेरेंट्स को भी अपना जिसे कहते हैं ना रोल डिफाइन करना चाहिए। और असल बड़े मजे की मुझे बात याद है कि टीचर्स के बारे में भी देखना, आजकल जब हमें याद है हमारे जो टीचर्स हैं हम उनको रिस्पेक्ट किया करते हैं, हम कहते हैं कि पेरेंट्स के पास सेकंड टर्स्ट का जो है आपके टीचर है। नो डाउट, आज के ज़माने में देखें ना टीचर्स क्या करें, टीचर्स भी बस ना अच्छा उम्र ऐसा है यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स हैं उनको ये सब चीज़ें पता है कि मोबाइल का बहुत से लोग आज के दौर में नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने वही सिलेबस कवर करना है एक्स्ट्रा सेमेस्टर में, यार कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते जो बच्चे को फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है, शायद वो सैलरी में मिले सैलरी में ही करना है। तो और मैं आपको बताऊँ जब मैं एमबीए में था ना, मैं बीबीए में था, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मेरे लिए वो मेंटर्स हैं, गुरुज हैं, मैं आज भी उनसे कनेक्टेड हूँ। लेकिन अब जो मैं टीचर्स अगर मैं गेस्ट सेमिनार्स में जब जाता हूँ ना स्पीकर बन के, तो मैं वहाँ पर देखता हूँ टीचर्स जो है ना भाई 20-30 साल के बच्चे हैं जो टीचर्स हैं, वो झुकते हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसे ही आपस में झुकते हमारे, तो फिर उनकी क्या रिस्पेक्ट होगी, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ना वो तो आपका सारा का सारा उसमें डैमेज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमारे टीचर भी सोसाइटी में वो रोल नहीं प्ले कर रहे, मतलब आप किस तरह इस सोसाइटी को ठीक कर सकते हैं जहाँ पे जो बच्चे की पहली 10 के पेरेंट्स मदर लॉयल नहीं अपने बच्चे के साथ, बच्चा पैदा कर देना बड़ी बात नहीं, अल्लाह का एक जैसे कहते हैं निज़ाम है, बच्चा पैदा की वैसी परवरिश भी नहीं होती है, बच्चों की ऐसी परवरिश भी नहीं होती ना, तरबियत हमारे माँ बाप ने हमारी की है, हमारी जनरेशन में इनकी जनरेशन यही तो गैप आ रहा है जो है हमारी अपब्रिंगिंग जो है ना, हमारी अपब्रिंगिंग वैसे आज हम लोग साफ हैं वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ये तरबियत का बताएं मतलब क्या ऐसा करें, ऐसा पेरेंट्स को हम किस तरह देखें, हम इन्हें घोल के तो कुछ नहीं पिला सकते। देखिए उम्र आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना वो भी जैसे बच्चा पैदा होता है या कोई बेटी बेटा जो भी पैदा होता है उसकी एक खुशी होती है, ठीक है। आजकल मुझे जो लगता है ना उनको बच्चे संभालना भी मुश्किल है, एक अजाब लगता है, ये बात ठीक है। जब बच्चे अपने ही बच्चे अजाब लगेंगे तो उनकी परवरिश क्या होगी, उनसे तो जान छुड़वाएंगे, ये बात तो आपकी सही है यार। मैं तो उनको फिर मोबाइल जैसी डिवाइसेज ही देंगे ना, हम मोबाइल पे इंटरनेट देंगे, लो भी इंटरनेट लो एक साइड पर बैठ जाओ। और ऐसे मुझे लगता है आने वाले सालों में ये चीज़ सही नहीं होने वाली है, खराब होने यार, ये पेरेंट्स जिम्मेदारियाँ भूल चुके हैं, बच्चे पेरेंट्स से जुड़ नहीं रहे, इनका रिजल्ट उम्र पेरेंट्स को ही मिलेगा, ऐसा ही है। अब देखें ना हमारे लाहौर में कराची इस्लामाबाद में ये जो ओल्ड हाउसेज हैं ओल्ड होम्स हैं कितनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती वो ऐसी कौन सी औलाद होती है यार, उसका जिगरा इतना बड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स को जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो ओल्ड होम में भेज देते हैं, ये कह के कि उनका टाइम अच्छा स्पेंड होगा क्योंकि उनकी जनरेशन के लोग वहाँ पे हैं, वही तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ना, एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। उसके अलावा वही ये बंदा जब मेंटली तौर पे डिप्रेस हो तो वो अपने माँ बाप जैसी हस्ती को यार वो ओल्ड हाउस में भेज देगा, तो कैसे भेज सकते, मुझे लगता है कनेक्टिविटी जो है ना एक कनेक्शन हम कहते हैं ना वो रूह का जैसे कहते हैं जिसम से एक कनेक्शन बना हुआ है, तो बच्चों का कनेक्शन उनके पेरेंट्स के साथ है और पेरेंट्स के बच्चों के साथ यार वो कनेक्शन ब्रेक होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हमारी ये जो एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं जैसे मोबाइल है ये सब चीज़ें इन्हीं की वजह से हैं, ज़्यादातर इनका नेगेटिव लोग यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हाल हो रहा है यार नेगेटिव। तो मैं तो उम्र यही बात मैं लेकिन ऐसे मुझे दुख होता है यकीन करें, मतलब ये हम वीडियो ज़रूर बना रहे हैं ठीक है, ये 20-30 साल बाद जब कोई देखेगा तब उसको समझ आएगी कि इस वीडियो की एक्चुअल हकीकत क्या है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि चीज़ें अब आगे ख़राब से ख़राब होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है ना। मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करता लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, ये नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं समझ आता है नया पाकिस्तान कैसे बनाए, एक ऐसा पाकिस्तान
जहाँ पे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे धरना दे रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को टचिंग कर रहे हैं, जो भी किस्म की वल्गर किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, जो आप सबको पता है इमरान खान साहब के धरना में क्या होता है, या हमें नून लीग की बात कर लें या जरदारी साहब की बात कर लें, जहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, धरने में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे हैं और कितने केसेस रिपोर्ट हुए थे, क्या क्या हुआ है वहाँ पे, ठीक है, ये क्या ऐसा पाकिस्तान जो है कि हमारे अल्लाह और हमारे नबी ने ऐसा पाकिस्तान एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा पाकिस्तान। तो बहरहाल ये हमारा आज का टॉपिक था कि मोबाइल डिवाइसेस के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। हमने टीचर्स का भी डिस्कस कर लिया इसके अंदर, ठीक है, पेरेंट्स का भी डिस्कस किया है, ठीक है, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। सब चीज़ें आपस में मतलब एक रिलेट कंबाइन रिलेट करती है ना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ये हम सिर्फ मोबाइल को ब्लेम नहीं कर सकते, बिल्कुल इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन क्वेश्चन है जी, मोबाइल बच्चे के हाथ में कैसे आया, कैसे आया और फिर उसका नेगेटिव यूज बच्चे ने कैसे किया, ठीक है ना, जो हम शुरू कहाँ से होती है। देखिए, हम आप जैसे आईटी में कोई रोल्स डिफाइन करते हैं तो एक एडमिन होता है, एडमिन के आगे उसका सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर आगे कोई एडिटर होगा, तो वो रोल्स डिफाइन करते हैं ना। रोल्स हमारे एडमिन हमारे पेरेंट्स हैं, हम आगे सुपरवाइजर हैं, तो पेरेंट्स ने हमें कितनी एक्सेस दी है, पेरेंट्स ने हमें इतनी ईजी एक्सेस दी है कि भाई ये लो मोबाइल, जो मर्जी देख, और इंसानी फितरत है, इंसान अच्छी चीज़ों को नहीं देखता। जब हम सब एक्सेस दे देंगे बच्चों को या किसी को भी, ज़ाहिर है उसका गलत यूज़ होगा, वक्त से पहले होगा, और हम फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे या बुढ़ापे में अभी बच्चे को समझ नहीं है और मैंने उसको एक्सेस दे दिया तो उसका गलत यूज़ होगा, ठीक है, ऐसी माशरे में बुराई फैलेगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, ये सारी टॉपिक्स जो ये बातें सारी सच्ची हैं, इसमें झूठ कुछ नहीं है, झूठ वाली हम एक बात भी नहीं करते, ठीक है, आप लोगों को बुरी लगेंगी, मज़ा चाहते हैं, लेकिन सॉरी टू से ये बातें हमने सारी सच की हैं। अगर किसी के भी दिल को ये बात अच्छी लगे, छू जाए, तो प्लीज़ इसमें इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।